हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको जनरल मैथ्स कराऊंगा दोस्तों, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, जो खास तौर पर हर किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना रहती है। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जनरल मैथ्स में हमारे उन क्वेश्चनों की, जो हमेशा मैक्सिमम जो है सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने की जिनकी संभावना रहती है, और उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर पहला टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है, वह हमारा एक सर्वश्रमिका पर आधारित प्रश्न है, एक आइडेंटिटी पर डिपेंड क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 0.361 का क्यूब दिया है, प्लस 0.639 का क्यूब अपॉन फिर 0.361 का स्क्वायर माइनस 0.36 इंटू 0.639 प्लस 0.639 का स्क्वायर। इसका हमें सरलीकृत मान बताना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे और सही ऑप्शन में हमें टिक करना होगा। तो देखिए, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलता है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि इसमें जो भी है कोई एक आइडेंटिटी लगेगी, एक सर्वश्रमिका लगेगी, क्योंकि आप सर्वश्रमिका से ही इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसको इस तरीके से करने लग गए, जैसे आपने पहले इसका क्यूब निकाला फिर इसको क्यूब निकाला, तो इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हो सकता है फिर भी गलत निकल जाए। तो आप इसमें क्या करेंगे, हमेशा एक सर्वश्रमिका एक लगती है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो उसको आपको ढूंढना है कि कौन सी वाली हमारी आइडेंटिटी लगेगी उसमें। अब यहाँ पर देखिए, या आप यहाँ पर गौर से देखेंगे 0.361 और 0.639 ही यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 0.361 इक्वल टू ए मान लीजिए, ए कोई भी यहाँ पर आपने नंबर मान लिया, और वैसे ही 0.639 को आप बी मान लीजिए। और अब आप क्या करेंगे, जो भी आपके यहाँ पर नंबर लिखे हैं उनकी जगह पे ए और बी रख देंगे, इनका जो मान है उससे आपको इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी सिंपल दिखने लगेगा आपको। देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अपॉन करेंगे जब आप ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, आपका यहाँ पे एक सिंपल फॉर्म में आ गया, एक फॉर्मूले की तरह यहाँ पर आ गया। एक हमारा फॉर्मूला होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जब हम, देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू हमारा होता है, जब हम इसमें से ए प्लस बी को कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी कॉमन लिया हमने इसमें से बाहर ले लिया, तो अंदर हमारा बचता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यह हमारा अंदर बचता है। और आप यहाँ पर गौर से देख रहे हैं, नीचे हमारा बिल्कुल वही है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अर्थात हम इसमें से अगर ए प्लस बी को कॉमन ले लें ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो फिर हमारा जो अंदर बचेगा वो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर वही करेंगे, आपने यहाँ पर ए प्लस बी को कॉमन ले लिया और अंदर आपका बचा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में भी हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए तो कट जाएंगे आप यहाँ पर आसानी से, और हमारा यहाँ पे बचा क्या, केवल ए प्लस बी बचा। अब जब यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, तब जाके आप इसकी वैल्यू को पुनः यहाँ पर रख देंगे, इसके मान को जो आपने यहाँ पर माना था, और हमने यहाँ पर 0.361 था प्लस 0.639, और यह देखिए ऐड करके क्या आएगा, 0.0001, 1.000 अर्थात यह 1 आ गया, क्योंकि दशमलव के बाद जो जीरो का कोई मान नहीं होगा, तो यह हमारा 1 आ गया। अब देखिए, आपने इतने बड़े क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया, जब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी पता थी, फॉर्मूला पता था, तब जाके आपने इसको सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको इसी तरह से करना है सॉल्व, और हो सकता है उसमें आपकी दूसरी कोई आइडेंटिटी लग रही हो, वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और हमेशा एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको, आपको ए और ए बी इस तरह से इनको मान लेना है, ताकि आपकी समझ में जो वहां पे इजीली आ जाए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, और उससे आपको आसानी भी हो जाएगी, और फाइनल में आप जब यहाँ पे सिंपल कर लेंगे तब उसका मान रखेंगे और आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, या दूसरे तरह का, इसमें भी हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, एलजेब्रिक फॉर्मूला लगेगा। 698 प्लस 198 का होल स्क्वायर माइनस 698 माइनस 198 का होल स्क्वायर बट्टे 698 गुणा 198 का मान क्या होगा। तो आपको यहाँ पे इसका मान बताना है, अर्थात इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आप गौर कीजिए, आपको यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, 698 और 198 आपको दो ही नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 698 को आप ए मान लीजिए और 198 को बी मान लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसे क्या होगा आपका, इनकी जगह पे इनको ए और बी को रख दीजिए यहाँ पे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए इंटू बी। तो आपका जो ये क्वेश्चन था इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जब आपने इनकी जगह पे ए और बी रख दिया। और एक हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसमें फिर से आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा, एक हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, क्योंकि इसमें हमारा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाते हैं, जो हमारा 2ab आता है वह दोनों में ऐड हो जाता है। तो हमारा इस तरह के से यहाँ पर 4ab आता है। देखिए इतने बड़े यहाँ पे लेफ्ट हैंड में हमें इतनी बड़ी क्वांटिटी दिख रही है और यहाँ पर हमारा 4ab आ रहा है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और यहाँ पर इसी का यूज होगा। तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा और अपॉन में आपका ऑलरेडी क्या है, ab है, तो ab से ab कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर केवल 4 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो कट गए हैं और आपको यहाँ पर सीधे आंसर मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको इन आइडेंटिटीज इन फॉर्मूलों का यूज करके करना है। अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन है, यह जो है बहुत बार हमारे कॉम्पिटिशन में पूछा आता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए जब अंडर रूट के अंदर सेम नंबर आपका रिपीट हो रहा है और एक अंडर रूट यहाँ पे एक लिमिट तक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया था डैश डैश भी देते हैं वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा एक लिमिट तक है। यहाँ पे देखिए तीन कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आ रहा है, अर्थात 5 बार जो है अंडर रूट ऊपर से लग रहा है 3 के। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है उसमें आप क्या करते हैं, इसका एक जनरल फॉर्म देखिए, जनरल फॉर्म हमारा मतलब अंडर रूट यहाँ पे एक्स है आपका, फिर से अंडर रूट एक्स है, फिर से अंडर रूट एक्स है। तो देखिए इस तरह का जब आपको क्वेश्चन मिलता है इसमें आप क्या करते हैं, इक्वल टू इसका मान जो होगा यहाँ पर होगा एक्स की पावर, जो यहाँ पर एक्स आ रहा है एक्स की पावर लिखेंगे आप यहाँ पर, नीचे लिखेंगे 2 की पावर, जितने भी रूट लगे होंगे यहाँ पे 1, 2, 3 रूट लगे तो 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3, और ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा नीचे उसका उसमें से एक कम ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या बनता है एक्स की पावर, ये 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, और 2 की पावर 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। तो जो इसका मान आएगा वो एक्स की पावर 7/8 आ जाएगा। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका क्या है अंदर, जो यहाँ पर हमने एक्स लिया था वो 3 है, तो 3 आ जाएगा। अब इसकी पावर आपको बनानी है, जितने रूट लगे उनको आप पहले गिन लोगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 रूट लगे हैं, तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 5 नीचे ही कर लिया, और अब ऊपर क्या करना है 2 की पावर 5 माइनस 1, और इक्वल टू आप क्या आ जाएगा देखिए 3, 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है 32 होता है, तो 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 32 माइनस 1 हो जाएगा तो 31 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर इसका आ गया 3 की पावर 31/32। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमने इतनी आसानी से सॉल्व कर लिया, और यही आपको मेथड हर किसी क्वेश्चन में करनी है इस टाइप के। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, जो हमारे यहाँ पे नंबर है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब सेम नंबर होगा तभी हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे ट्रिक देखी। इस ट्रिक का यूज हम उसी टाइप के क्वेश्चन में कर सकते हैं जिसमें हमारा नंबर अंदर रिपीट हो रहा हो। तो ये हमारा एक विशेष टाइप का क्वेश्चन था जो काफी पूछा आता है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का। अब देखिए क्वेश्चन हमारा एक तरह से हमें पदों का योग बताना है यहाँ पे, 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यह हमारा एक तरह से एपी का भी फॉर्मूला बन जाएगा, हमारे एक समांतर श्रेणी वाला। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना आवश्यक है सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्या हमारी वे संख्या होती है जिनमें हम 2 से भाग दे सकते हैं, जैसे 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, सभी में हम 2 से भाग दे सकते हैं, पूर्ण भार
तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या जो है 100 तक कह रहा है, तक मतलब 100 भी उसमें शामिल होगा। तो आपको एक सीरीज बनानी है। देखिए पहली सम संख्या क्या होती है हमारी, दो, जो धनात्मक होगी वो दो होगी। उसके बाद क्या आ जाएगी, चार हो जाएगी, उसके बाद छह हो जाएगी, और वैसी हमारी कहाँ तक चली जाएगी, 100 तक। तो हमें इन सभी का योग बताना है, योग क्या होगा। देखिए सबसे पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, एक तरह से ये हमारी दो चार छ आठ 100, ये हमारी एक एपी बन रही है। देखिए एपी मतलब एक हमारी समांतर श्रेणी बन रही है, क्योंकि दो सभी के बीच में अंतर देखिए कितना आ रहा है, इसके बीच में अंतर दो का है, इसके बीच में भी दो का है, इसके बीच में भी दो का है, अर्थात यहाँ पे जो हमारा सार्वांतर दिख रहा है हमें, सार्वांतर कितना है, सार्वांतर जो डी होता है हमारा, वो हमारा यहाँ पर दो है। इसमें जो है हर एक पद के बीच में जो क्रमांगत पद हैं उनके बीच का अंतर समान है, इसलिए हमारी क्या एक समांतर श्रेणी है, एपी है। तो आपको क्या करना है, पदों का योग निकालना है। पदों का योग निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना आवश्यक है कि पदों की संख्या कितनी है। तो जो हमारे यहाँ पर टर्म है ये कितनी है, इनकी संख्या दो से लेकर 100 तक के सम संख्याओं को आपको निकालना है। तो सम संख्या देखिए जब भी आपको निकालना हो तो उसमें आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में जो भी आपका लास्ट वाला नंबर है एन, मान लीजिए एन बट्टे दो कर देंगे आप, एन अपॉन टू। एन हमारा क्या है, लास्ट वाला नंबर। तो लास्ट वाला नंबर हमारा 100 है, 100 बट्टे दो अर्थात 50। तो 50 क्या आ गई यहाँ पे, पदों की संख्या। पदों की संख्या मतलब जो हमारे यहाँ पर पद है जैसे दो है चार छः आठ, तो इनकी कितनी संख्या होगी, 100 तक पहुँचने पर 50 होगी। तो ये आपको आना आवश्यक था, क्योंकि ये हमारी एन की वैल्यू होती है, एन इक्वल टू जो हमारा होता है। और यदि आपसे ये पूछा गया हो कि 100 से पूर्व, जैसे आपसे एक आ गया होता है यदि 100 से पहले सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो 100 से पहले वहां पर लग गया होता तो आप क्या करते यहाँ पर एन अपॉन टू माइनस वन कर देते, क्योंकि उसमें 100 शामिल नहीं है इसलिए आप माइनस वन कर देते। लेकिन यहाँ पर तक का है तो इसका मतलब 100 भी शामिल है और आप यहाँ पर एन अपॉन टू कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा ईपी का जो सम वाला होता है उसमें एस एन इक्वल टू हमारा होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा होता है, जहां पर ए हमारा प्रथम पद है, डी हमारा सार्वांतर है और एन हमारा पदों की संख्या है। तो इसमें आप रख देंगे जब, तो देखिए यहाँ पे एन की जगह पे क्या आ जाएगा, एन की जगह पे 50 पद है तो 50 आ जाएगा बट्टे दो, और यहाँ पर टू ए की जगह पे दो आ जाएगा प्लस एन की जगह पर वही 50 और माइनस ए कितना हो जाएगा 49, 49, और डी की जगह पे डी भी हमारा सार्वांतर भी हमारा दो है तो दो आ जाएगा यहाँ पे, और ब्रैकेट बंद। अब आप देखिए यहाँ पे यदि आप चाहें तो जो हमारे दो अंदर आ रहे हैं इनको कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी दो आ रहा है यहाँ भी दो आ रहा है, तो आप एक यहाँ पे दो कॉमन ले सकते हैं। तो इस तरीके से 50/2, एक दो आपने कॉमन ले लिया अंदर से तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा यहाँ पे एक दो और प्लस 49। तो देखिए दो से दो कैंसिल आउट हो गया और हमारा यहाँ पर आ गया बाहर 50 है गुणा अंदर 49 प्लस दो कितना हो जाएगा 51, 51। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0525। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, 2550, 2550 यहाँ पे आपको इनका योग मिल गया। जो हमारी 100 तक की सम संख्या है उनका योग कितना मिल गया, 2550। तो इस तरीके से आपको इन फॉर्मूला का यूज करना है। जो हमारी यहाँ पे एपी है तो उसमें आपको सम का फॉर्मूला आना आवश्यक है, और यहाँ पे मेन यहाँ पे एक ये भी है कि आपको पदों की संख्या निकालनी आवश्यक है, क्योंकि पदों की संख्या निकाले बिना आप इस फॉर्मूले में नहीं रख सकते यहाँ पे। और यदि आपको यहाँ पे विषम संख्याओं का योग निकालना होता तो वहां पर भी सेम कंडीशन है, विषम संख्याओं को भी आप वैसे ही निकालते, वहां पर सीरीज आपकी कन्वर्ट हो जाती 1, 3, 5 करके, और वहां पर आपका ए इक्वल टू क्या आ जाता, ए बराबर पहला पद वहां पर एक हो जाता आपका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके थैंक्स।